एक स्पर्श रेखा तथा जीवा द्वारा बनाए गए कोण। माना एक वृत्त का केंद्र O है तथा AB इस वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। बिंदु P से वृत्त की जीवा PQ खींचिए। दीर्घचाप PQ में एक बिंदु R लीजिए। दीर्घचाप PRQ जीवा PQ द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का एकांतर वृत्तखंड कहलाता है। आकृति में कोण QPB बराबर x अंश जो कि चित्र में दिया है हो तो कोण OPQ बराबर 90 अंश ऋण x अंश होगा क्योंकि कोण OPQ और कोण QPB जो कि x है ये दोनों एक पूरक कोण है और पूरक कोण है तो हमने OPQ को 90 अंश ऋण x अंश लिखा। अब क्योंकि OP और OQ त्रिज्या है इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कोण OPQ बराबर कोण OQP बराबर 90 अंश ऋण x अंश क्योंकि हमारा त्रिभुज OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है चूंकि OP भुजा OQ जो है OP और OQ त्रिज्या है एक ही समान वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है इसीलिए हमने OP और OQ को OQ बराबर है और इसीलिए त्रिभुज OPQ हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम त्रिभुज POQ में देखते हैं। हमारे पास है सबसे पहले POQ त्रिभुज POQ जो कि केंद्र पर बनने वाला कोण है और उसमें क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश ऋण हमारा जो पहला जो कोण है जो कि हमारा कोण है OPQ उसके स्थान उसका मान जो है 90 कोण अपन कोष्टक में लिखेंगे 90 अंश ऋण x अंश कोष्टक बन और उसी तरह से दूसरा कोण का जो मा कोण OQP वह भी समान 90 अंश ऋण x अंश का है तो हम लिखेंगे 90 अंश ऋण x अंश पुनः लिखेंगे कोष्टक बंद और ये आपका बड़ा कोष्टक बंद बराबर 180 अंश ऋण कोष्टक खोलने पर छोटा कोष्टक खोलने पर हमें प्राप्त होगा बड़ा कोष्टक 90 धन 90 180 अंश और ऋण x अंश और ऋण x अंश जो है ऋण 2 x अंश हो जाएगा बड़ा कोष्टक बंद बराबर जब बड़ा कोष्टक को हम खोलेंगे तो 180 अंश ऋण 180 अंश शून्य हो जाएगा और ऋण को ऋण x अंश से गुणा करेंगे तो धन 2 x अंश हमें प्राप्त होगा। अब वृत्त पर बना कोण केंद्र में बने कोण से आधा होता है तो हमारे पास जो है त्रिभुज कोण P हमारे पास है कोण PRQ बराबर कोण जो PRQ है वह वृत्त पर बनने वाला कोण है तो इसका मान जो है केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 कोण POQ। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोण POQ वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण है जो दुगना होता है वृत्त पे बनने वाले कोण से क्योंकि हम इसे बराबर लिख रहे हैं इसीलिए केंद्र पर बनने वाले कोण को हम 1/2 से गुणा कर दिए बराबर 1/2। हम जानते हैं कि POQ का मान हमने अभी कोण POQ का मान हमने 2x अंश
ज्ञात किया। तो एक बटा दो गुणित कोण पी ओ क्यू के स्थान पर हम दो एक्स अंश लिख लेंगे। अंश और हर से दो को जब हम काटेंगे तो हमें एक्स अंश प्राप्त होगा। इस तरह से हमने ज्ञात किया कि कोण पी आर क्यू का मान एक्स अंश है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ उनके स्पर्श बिंदु पर बना कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्ताखंड में बने कोण के बराबर होता है। यह भी एक प्रमेय है जिसका उपयोग वृत्त की स्पर्श रेखा खींचने में करते हैं जब वृत्त के केंद्र का पता ना हो।